हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। तो मैंने रिसेंटली हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने काफी सारी चीजें ली थी एंड आज मैं उन्हीं चीजों को यूज करके ऑलरेडी मैंने ये लुक क्रिएट कर दिया है। तो अगर आपको जाना है कि मैंने ब्यूटिफुल एंड ग्लोई लुक कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो को आगे देखते रहिए। एंड ऑल्सो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारी नई नई चीजें भी ली थी जो कि बिल्कुल नई है मेरे लिए। तो अगर आपको जाना है ये हटके चीजों की इफेक्ट कैसी होती है फेस पे तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए। लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप ऐसे और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने आईब्रोज किया हुआ था क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो शूट किया है। अदरवाइज मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, मैंने लिपस्टिक भी हटा दिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली मेकअप रेवोल्यूशन का प्राइम सेट एंड ग्लो। ये एक्चुअली एक बॉडी एंड फेस स्प्रे है जो कि ग्लो ही सेटिंग स्प्रे टाइप का है। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आई डोंट नो कि ये कैसा काम करेगा। सो लेट्स सी। अब मैं ले रही हूँ ब्रश एंड मैं जस्ट पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर दूंगी। ओह माय गॉड, इट ग्लोइंग लाइक गॉडेस डेफिनेटली। कैन यू सी द रिजल्ट? इसमें गोल्डन कलर की शिमर पार्टिकल्स है इसलिए हम डस्की स्किन टोन गर्ल्स को बहुत अच्छे से सूट करेगी। आई जस्ट लव लव द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो यही मेरा प्राइमर था आज के लिए। तो इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ मेरा फाउंडेशन। रिसेंटली मैंने ये नायका का स्किन, तो इसके बाद फॉर माई फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ नायका स्किन शील्ड फाउंडेशन। रिसेंटली मैंने इसको परचेज किया था, मैंने इस पर एक रिव्यू भी बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो इसमें मेरा जो शेड है वो है आई थिंक 10 गोल्डन आवर। तो मैं इसी फाउंडेशन को आज यूज करूंगी फॉर माई बेस। एंड आज मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए कोई भी इस ब्लेंडर का यूज नहीं करूंगी, मैं स्टिपलिंग ब्रश का यूज करूंगी क्योंकि आज मुझे सब कुछ नया नया करने का बहुत मूड हो रहा है। Can you guys see the glow? ये glow just because spray के लिए आ रहा है क्योंकि ये foundation काफी matte है। अगर आप review video देखोगे तो आपको पता चल जाएगा असल में इस foundation का impact कैसे है, मतलब कैसा है। ये जो glow आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे face पे just because मेरे उस spray की वजह से, and I just loved it. सो गाइज, आप जो ये फाउंडेशन का इफेक्ट जो ग्लो मेरे फेस पे देख रहे हो ना वो बिल्कुल इस प्रोडक्ट की वजह से है क्योंकि ये फाउंडेशन काफी मैट फिनिश है। अगर आप इसका रिव्यू देखोगे तो आपको इसका असल जो इम्पैक्ट है वो पता चलेगा। ये जो मेरे फेस पे ग्लो दिख रहे हो आप, ये बिल्कुल इस स्प्रे की वजह से, एंड आई जस्ट लव 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 द स्प्रे। ये मैं बहुत यूज करने वाली हूँ डेफिनेटली। एंड ये फाउंडेशन काफी लाइट शेड का था क्योंकि मैंने इसके नीचे ब्रॉन्जी ग्लो अप्लाई किया था इसलिए इसका शेड भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। मेरे पास कोई भी नया कंसीलर नहीं है तो मैं अपना सेम मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर अप्लाई करूंगी एंड मैं इसको काफी कम अप्लाई करूंगी क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है तो मुझे अपने फेस को व्हाइट नहीं दिखाना। यार दिस मच, ओह माय गॉड, मैंने काफी सारा निकाल दिया यार। डोंट वरी, ये अभी काफी वाइट दिख रहा है नो, मगर मैं इसको बिल्कुल फिक्स कर दूंगी। तो मैंने इस बार कोई पाउडर भी नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास काफी सारे पाउडर्स हैं, तो इसलिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा सबसे फेवरेट जो कि है मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी खत्म करना स्टार्ट कर भी दिया है। एंड इसमें मेरा शेड है शेल। तो मैं अपने अंडर आईज को सेट जरूर करूंगी क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है, तो अगर आप अपने अंडर आईज को सेट नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट आपको कुछ ही मिनट में मिल जाएगा। तो मैं अपना आई मेकअप बाद में करूंगी, सबसे पहले मैं अपना फेस मेकअप कंप्लीट करूंगी। एंड फेस मेकअप के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन द नीड्स पैलेट।
एंड इसमें मैं ब्रॉन्जर, ब्लश ऑन, हाइलाइटर सब इसी में से मैं यूज करने वाली हूँ. एंड टू ब्रॉन्ज माई फेस मैं यूज करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्रश, जो कि कंटूरिंग ब्रश है. इसमें जो शेड्स है ना उसके नेम भी अवेलेबल है, तो आप नेम भी चेक कर सकते हो. तो ब्रॉन्जिंग शेड का नेम है करेज. इसमें बहुत अच्छा एक मिरर भी आता है, तो मैं इसी मिरर को यूज भी कर रही हूँ. ओके, ब्रॉन्जर काफी पिगमेंटेड है क्योंकि ब्रश में बहुत अच्छे से पिक हुआ है, बहुत ज्यादा पाउडरी भी नहीं है. तो लेट्स जस्ट सी, इट्स पिगमेंटेड. ओह माय गॉड, इट्स रियली पिगमेंटेड. मुझे ना पहले से बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही थी इस पैलेट को यूज करने से पहले. मुझे लग रहा था कि अच्छा होगा. एंड ये जो ब्रश है, मैंने पहले ही बताया था मुझे इसमें एक ही पॉइंट बुरी लगी क्योंकि काफी छोटा है फॉर अ ब्रॉन्जर. मुझे अभी भी यही प्रॉब्लम फील हो रही है, अदरवाइज दिस इज क्वाइट गुड. ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं. एंड जो मेरा ब्रॉन्जर था वो भी काफी अच्छे से पिक हुआ था. तो मैं सेम ब्रश को यूज करके अपने नोज को भी लिटिल बिट ब्रॉन्ज अप कर लूंगी क्योंकि मेरी नोज जो है ना वो मोटी सी है. एंड मैं अपने जॉ लाइन को भी ब्रॉन्ज अप करूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरा कंसीलर ज्यादा हो गया था. इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी सेम पैलेट से ब्लश ऑन, जो कि बहुत ही प्रिटी एक पीच शेड है. एंड मैं इसके लिए यूज करी फोकालियो का ब्रश. सो ब्लश ऑन भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. वाओ, एंड आई जस्ट लव द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पैलेट. क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे पैलेट होते हैं ना जिसमें आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है, तो कलर्स जो है काफी कूल टोन होते हैं. एंड आई हेट 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 कूल टोन कलर्स. मुझे कॉरल, पीच शेड, वार्म टोन शेड बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही होगा. नाउ कमिंग टू द हाइलाइटर, तो मैं यूज कर रही हूँ सेम हाइलाइटर जो इसमें है. ये हाइलाइटर मुझे थोड़ा सा पाउडरी लगा है क्योंकि ये थोड़ा सा पाउडरी है. लेट्स जस्ट सी. ओके, काफी सटल. वाओ, बहुत ही सटल एंड फाइनली मेल्ट हाइलाइटर है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है. एंड इसका जो हाइलाइटर का शेड है ना वो थोड़ा सा पिंक साइड में है. ओके, सो वी डन विद द हाइलाइटर. एंड आप देख सकते हो बहुत ही सटल हाइलाइटर है, बहुत ही सटल हाइलाइटर है. एंड आई लव दिस काइंड ऑफ हाइलाइटर जो कि बहुत चंकी ग्लिटरी नहीं दिखते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते ऐसे हाइलाइटर्स के साथ. तो ये हाइलाइटर बहुत सटल है, थोड़ा सा पिंकी अंडरटोन में है. तो अगर आपकी स्किन टोन मुझसे डार्कर है तो ये आपको एक लाइक व्हाइट कास्ट दे सकती है, अदरवाइज दिस अ वेरी ब्यूटिफुल हाइलाइटर आई हैव टू से. सो माई आईब्रोज आर डन. एंड फॉर माई आईब्रोज मैंने यूज किया है मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल, मेरा फेवरेट आईब्रो प्रोडक्ट. एंड अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी. तो क्योंकि मेरे पास लिपस्टिक में एक ही ऑप्शन है इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिपस्टिक लगा लेते. तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिलानी का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड मिलानी का अमोर मैट लिप क्रीम इन द शेड 12 लव्ड, जो कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने एक बार भी इसको अप्लाई नहीं किया है. मैंने फर्स्ट इंप्रेशन करने का सोचा था इसलिए. So let's see. मेरी लिपस्टिक ड्राई हो चुकी है एंड एज पर एज यू गाइस कैन सी द शेड इज ऑसम. ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक पीच शेड है
एंड आई हैव टू से कि लिपस्टिक मैट है लेकिन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रही है मुझे, मुझे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रही है। अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा लिप्स में ड्राई फील होता है लेकिन आज मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है। आई जस्ट लव 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 द कलर। ओके नाउ मैं अपने आई मेकअप पे जाते हैं। आई थिंक मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया। ओके नाउ मैं अपने आई मेकअप शुरू करने वाली हूँ, उससे पहले मैं अपने ब्रशेस निकाल लूँ जो मेरे आई मेकअप के लिए है। सो आज मैं अपने आई मेकअप को करने के लिए ये जस्ट 4 ब्रशेस का यूज करूंगी। ये मेरा रीसेंट बाय है, इसका मैंने हॉल में दिखाया था, तो अगर आपको डिटेल में इस ब्रशेस के बारे में जानना है तो आप उस हॉल वीडियो को जरूर चेक करिएगा। ओके तो मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ एंड मैं अपने ट्रांजिशन एज माई ट्रांजिशन शेड इसको अप्लाई कर लूंगी। एंड इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पैक 260। ओह माय गॉड, ये काफी अच्छे से पिक हो रहा है, लिटिल बिट पाउडरी है, पिगमेंटेड। ओह माय गॉड, द शेड इज वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड बहुत अच्छे से पिक हो रहा है, बिल्कुल फॉल आउट नहीं दे रहा है एंड द ब्रश इज ऑल्सो ऑसम। सो माई ट्रांजिशन शेड इज डन। अब मैं एक अनदर ब्रश ले रही हूँ जो कि ब्लेंडिंग ब्रश है, ये है प्रो आर्टे PE23 एंड मैं जस्ट एजेस को हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है लेकिन ये थोड़ा सा हार्श लग रहा है इसलिए। इसके बाद मैं इसमें से ये वाला शेड अप्लाई करूंगी जो कि एक लाइक डार्क शेड है लेकिन इसमें मैं जो देख पा रही हूँ मरून कलर का शिफ्ट है एंड इसके लिए मैं ये फ्लैट शेडर ब्रश यूज करूंगी। सो इसके बाद मैं सेम ब्रश लूंगी ब्लेंडिंग वाला, मतलब क्रीज वाला एंड मैं जस्ट हल्का सा इसको ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत हल्का सा। माई आईज आर ऑलमोस्ट डन। अब मैं लोअर लैश लाइन पे सेम ब्लैक कलर का शेड फर्स्ट अप्लाई करूंगी, ब्लैक नहीं है ये, एक्चुअली पर्पल एंड थोड़ा सा डार्क ब्राउन का मिक्स है। सो आप देख सकते हो मैंने बस इसी पर्पस के लिए ये वाला ब्रश लिया था क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज आपके लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करेगा एंड मेरी आईज की जो शेप है ना उससे अगर बहुत ज्यादा मोटा सा मैं ब्लेंड करती हूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। सो गाइस, क्योंकि मैंने कोई भी मस्कारा परचेस नहीं किया था तो मैंने अपना फेवरेट मस्कारा अप्लाई कर लिया है, आपको तो पता चल ही गया होगा कौन सा मस्कारा है। ओके सो आई एम प्रेटी मच डन नाउ फॉर माई फिनिशिंग टच। आई एम गोइंग टू यूज, क्या यूज करने वाली हूँ, मेरा पैक का माइक्रोफेन सेटिंग स्प्रे टू जस्ट सेट माई मेकअप। वैसे मेकअप को फिनिश करके बाद ये स्प्रे ना कर देना तो आपका जो पूरा मेकअप है ना पूरा मुंह काला पड़ जाएगा। सो गाइज, दिस इज माई फिनिश लुक, आई जस्ट लव द लुक एंड सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस बार परचेज किए हैं बहुत ही अच्छे हैं। सारे प्रोडक्ट्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मुझे नहीं लगा जो कि अच्छा नहीं है एंड खास करके जो ब्रशेस है वो तो ऑसम है। सभी ब्रशेस अपने अपने पर्पज के लिए एकदम बेस्ट है एंड मैंने कोशिश किया है सब कुछ यूज करने की ताकि आपको पता चल जाए एंड आई जस्ट लव द लुक। एंड ये जो शेडो आप देख रहे हो ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ब्लैक नहीं है, ये पर्पल कलर की शीन है इसमें
आप देख सकते हो, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और उसके साथ मेरा लेंस भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो लेंस पहना है वो है फ्रेश लुक का लेंस अंदर शेड हेजल, प्योर हेजल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वरना आप लोग मुझसे जरूर पूछोगे। तो एंड ऑल्सो आप जो मेरे फेस पे जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑल ओवर ग्लो देख रहे हो ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग प्रोडक्ट की वजह से है। वरना फाउंडेशन जो मैंने यूज किया था, मैंने पहले ही बताया, काफी ज्यादा मैट है। तो या आई जस्ट लव द लुक। अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं जरूर करूंगी आप लोगों के लिए। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।